हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ पियर 39 सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन में, जो कि फेमस है शॉपिंग सेंटर के लिए, काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी है वहाँ पे, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे घर से पियर 39 बाय कार लगभग 15 मिनट दूर है और पूरी ड्राइव के दौरान आपको ये खूबसूरत नज़ारे दिखते रहेंगे। और ये है SF की खूबसूरत स्काईलाइन। फाइनली हम लोग सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन आ चुके हैं। सामने जो आप लोग ब्रिज देख रहे हैं वो बे ब्रिज है, जो सैन फ्रांसिस्को को ओकलैंड से कनेक्ट करता है। हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ इस वक्त एम्बार्काडेरो पे, जहाँ पे सारे पियर्स हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं वो है पियर 9। और यहाँ बहुत ही कॉमन है, शिप्स बोट्स खड़े रहते हैं और यहाँ से आपको बे ब्रिज भी दिखेगा जो कि सैन फ्रांसिस्को को कनेक्ट करता है ओकलैंड से। तो गाइस ये स्ट्रीट है, मैं आपको स्ट्रीट दिखा देता हूँ। गाइस ये वो स्ट्रीट है जहाँ सारे पियर्स हैं और मैं पियर 9 से स्टार्ट करूँगा और मैं जाऊँगा पियर 39 तक। पियर 39 यहाँ बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ शॉपिंग सेंटर है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी क्राउडेड जगह है, आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे देखकर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पियर 39 और साथ ही साथ आपको थोड़े नज़ारे भी दिखाता हूँ। पियर 39 पे और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो मैं शॉपिंग सेंटर की बात कर रहा था वो कुछ इस तरह से है। काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ रहती है, सैटरडे और संडे को तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और मैंने अपना मास्क भी लगा लिया है क्योंकि बहुत ही क्राउडेड प्लेस है और मास्क मैंडेटरी भी है इस जगह पर। यहाँ पर कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर इंडोर डाइनिंग अभी चालू नहीं हुई है बट आउटडोर डाइनिंग चालू हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लोग बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं। लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। बाहर की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक कॉफ़ी ले ली जाए। hey.
इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इस तरह के और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।